अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको पंचतन पाक दे सदके हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आज की रेसिपी हम लेके आए हैं पंजाबी बिरयानी तह वाली। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको साथ साथ बताते हैं। तो इधर पहले हमने चावल उबाले हैं। चावल हमने 1 गिलास लिए हैं, ये कनाथ चावल हैं, बहुत ही अच्छे। आधा घंटा हमने इसे भिगो दिया था। और अब पहले हम इधर हमने पानी रख दिया है और 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम ऑयल का ऐड करेंगे, इससे चावल खिले खिले पकते हैं। चलें इधर हमने पानी रख दिया है, उबाला आता है, हम इसमें चावल ऐड करते हैं। इधर हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलें पहले हम 1 कप ऑयल का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्याज ऐड करेंगे, ये हमने 2 बारीक बारीक काटे हैं लंबे साइज के, बल्कि इसे हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। तो चलें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा हमें आधी चम्मच ज़ीरा है हम इसमें ऐड करेंगे, और ये थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे और ऐसे हम मिक्स करके ऐड करेंगे। आप भी ऐसे करना, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। चले अदरक लहसुन भी ब्राउन हो गया, अब हम टमाटर ऐड करेंगे, और ये हमने थोड़ी सी इमली भिगो के रखी थी ये भी ऐड करेंगे। और अब ये सारे मसाले ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च पीसी हुई है, खुशक धनिया और गरम मसाला, ये तेज़पत्ता है, और 1 चम्मच नमक है, और आधी चम्मच काली मिर्च है, और थोड़ी सी हल्दी है, और 1 चम्मच बिरयानी मसाला है। तो चलें ये अब मिक्स करते हैं। अब और ये 3-4 मिर्चें खड़ी हम ऐसे ही डालेंगे। आधा किलो हमने चिकन लिए, इसको अच्छी तरह हमने धो लिया। अब ये हम ऐड करेंगे। अब हमने दही ये भी ऐड करेंगे, अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे, और थोड़ा सा हम ये सोया सॉस डालेंगे, और थोड़ा सा हम ये सिरका ऐड करेंगे। तो चलें इधर हमारे पानी भी उबाले में आ गया है, अब हम चावल ऐड करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम उबाल लेंगे अच्छी तरह, ये जब 2 कनी रह जाएंगे तो हम इसे छान लेंगे। चलें जी आप देख सकते हैं हमारी चिकन कितनी मज़ेदार पक गई है, और ये बाज़ार से बहुत अच्छी घर पे बिरयानी बनती है। काफ़ी दफ़ा मेरे बच्चे, बेटी है मेरी, वो बाज़ार से 1-2 दफ़ा लेके आई है, उसे मज़ा नहीं आया, तो वो कहती है मामा मुझे आप अपनी बिरयानी बना के दें, मुझे बाज़ार की ना बिरयानी मज़ेदार नहीं लगती है, तो प्लीज़ मुझे बना के दें। तो मैंने आज फिर बिरयानी उसकी फरमाइश पे, और मैंने सोचा अपने बहन भाइयों को भी दिखा दूँगी कि ऐसे घर पे आप बिरयानी बनाएं। बाज़ार से 200 की बिरयानी 1 प्लेट आती है, और घर पे बनाएं तो पूरे घर घर वाले खा सकते हैं। तो चलें चावल हमारे छाने गए, उबल गए हैं, हमने छान के अब ये तेल लगाते हैं। ये ऐसे हम साबुत टमाटर रखेंगे, और ये कलर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे, और 2-3 हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे। और अब हम दम पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। चलें 10-15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी हमारे 15 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी हमने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़। और सफदर अली को कहती हूँ कि आजो बेटा, मामा ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, आके खा लो, वो लाहौर में रहते हैं, तो प्लीज़ आजो बेटा, उसे बहुत याद आती है मामा के खाने की।